तो दोस्तों आर्या एंड बल्या डेयरी फार्म पे आपका स्वागत है और हम खास बातचीत कर रहे हैं। एक खास किस्म के पौधा सड़ने लाए थे जो नेचर को बनाने में और लोगों को जीवन को बढ़ाने में बड़ा ही सहयोगी और शानदार काम करता है। उस पौधे का नाम पहले जान ले, पपीता है, ताइवान का रेड लेडी पपीता। सर, इस पपीता के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? आपको कहां से ये जानकारी मिला कि ऐसी पपीता होने से हमारे तो हम लोग मोबाइल पर भी देखे, लड़कन लोग भी बहुत लोग इस पर अथी किया कि पापा पपीता में सबसे अच्छा बेस्ट है कि ताइवान का है। ताइवान का उसको लगाए तो हम एक दो पौधा पहले लाए थे जी बाहर से जी, लेकिन वो सही नहीं हो पाया। सही नहीं हो, बिना अथी सोचे समझे लग गया था, लोग लगा दिया था तो कभी पानी जाए तो बमरी झूले वाटर पर बहुत समस्या था। लेकिन तो अब फिर हम कि नहीं, ये समस्या हमको एक चीज़ बहुत पसंद पड़ता है जी, जिसमें हम फेल हुए जी उसको हम जमा दें, उसको हुए उसी को हाँ उसको धर लेते हैं जी। या आखिर कोई बंदा तो कर रहा है प्रॉफिट खत्म हुआ तो उस पर हम फिर लग जाते हैं कि नहीं इसको हम अच्छा से करके दिखा। मान लीजिए इस चीज़ में आप फेल हो गए एक बार तो दोबारा आपका मन और बढ़ जाता है, बढ़ जाता है निश्चित है निश्चित, और तभी सफलता है। हाँ तभी सफलता है। और एक बार जो फेल होके हट गया हो, नहीं 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 वैसा हम नहीं करते हैं जी जी। एक साल अगर कोई चीज में घाटा भी लग गया ना तो छोड़ने वाले नहीं बने, ये छोड़ने वाले नहीं। इनके जो दृढ़ संकल्प है, जो इनका सोच है और पैसा लगाने में हम पीछे हट भी नहीं करते कोई चीज में। पैसा लगाना है या मेहनत करना है या टेक्नोलॉजी लाना है, ये बिल्कुल जो है एक क्रांति है हमारे सेक्टर में। युवा और अगल बगल के काफ़ी गांव इनसे प्रेरणा लेती है, दूर दराज से भी लोग इनके पास आने लगे हैं और लग जाते हैं। सर ये क्या कहना चाहते हैं, अगर कितने महीने में तैयार हो जाता है पौधा? दो महीना में, अभी जाड़ा में तो हम गलत समय पर लगाए हैं जी, लॉकडाउन के चलते जैसे तैसे व्यवस्था हो गया मेरा ना, सब लोग को हो गया तो हम तो लेट लगाए हैं। अगर यही पहले अगर लगा देते ना ठीक बात तो अभी हमको कम से कम 2 फीट तो हो जाता। अच्छा, फरवरी लास्ट में फूल पा जाता, फरवरी लास्ट। हाँ, लेकिन एक महीना में इसको हम ला देंगे फूल, एक महीना। हाँ हाँ, अब तो ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है ना, हरा भरा पौधा भी हो गया, पीला हो गया था पौधा, सब हरा भरा। बर्मिंग सब में दिए हैं, 1 किलो 2 किलो बर्मिंग दिए हैं जी। और इसको सारा अब तो मैंने पौष्टिक आहार तो मिल ही ना जाएगा बर्मिंग से, मिला भी मिट्टी में इसको मेढ़ा थोड़ा मिट्टी चढ़ाएंगे जी, तब फिर सिंचाई। कितना दूरी में सर किसान को लगाना चाहिए? देखिए अगर किसान नए नए हैं तो कम से कम 5 कट्ठा में लगा, 5 कट्ठा। हाँ, 7x7 पर लगा, 7x7 8x8 पर लगा सकता है, बीच में कुछ पौधा डाल देंगे। दूसरा भी पौधा जैसे टमाटर है, फूलगोभी है, ये सब डाल देंगे। फूलगोभी और टमाटर ये सर देख सकते हैं, ये भी लगा दी हुआ सर, मेथी हुआ जी जी, ये सब कुछ कुछ लगा, मूली हो गया। तो एक किसानी में जैसे ये तो डबल मुनाफा है सर, मान लीजिए कि पपीता हो गया उससे पहले आपका गोभी और टमाटर हाँ, भी हो जाएगा हाँ, और खेती भी चलता रहेगा, ये भी हो जाएगा। देखिए अभी हम 3.5 किलो प्याज की गाछी किए हैं जी, तो गाछी 3-4 दिन में हमको कबरेगा, तो लगा कि उसी में हमको जेठुई सब्जी लगाना है, आलू अटी हो गया, कद्दू हो गया, नेनुआ हो गया, भिंडी हो गया जी, तो हम घर पर ही उसको तैयार कर लिए, घर पर तैयार। हाँ तैयार कर लिए, सब छोटा छोटा बीज जमा हुआ, फिर इसी ले जाके खेतों में बिठा देंगे। हम 15 दिन तो पहले कर लिए, 15 दिन पहले ना हो जाएगा, और हम 5 दिन में रोपते और 10 दिन से पहले हम उसको तैयार कर ले, 10 दिन तो 10 या 5 15 दिन तो 15 दिन पहले तो सब्जी टूटेगा। सर ये जो पपीता के प्रति जो आपने बिहार में सर अरवल में जो इस पपीते का जो नस्ल है ये अवेलेबल तो नहीं है अपने, तो बाहर से तो बाहर से एक्सपोर्ट होके आता है, तो क्या क्या कॉस्ट पड़ जाता होगा सर? अगर मान के चलिए कि ऐसे लीजिएगा तो 20 से 30 रुपये के लगभग पड़ जाएगा, 20 से 30 रुपये प्रति पौधा पड़ेगा, 30 रुपये पौधा। तो दोस्तों अगर किसी भाई बंधु को खरीदना है तो आने वाला समय में 30 रुपया प्लस ट्रांसपोर्ट कॉस्ट लगेगा, ट्रांसपोर्ट का अलग से लगेगा चार्ज, और 30 रुपया पर पौधा आपको लग सकता है। तो ये पपीता जो है एक क्रांति लाएगा, क्योंकि डबल खेती ये मुनाफा होगा, पपीता के साथ साथ अदर नगदी के पौधा भी नगदी खेती आता है, तो एक बड़ा सोच और बदलाव लाए हैं। ये नेचुरलिटी में इसमें कोई केमिकल या खाद का इस्तेमाल नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, तो यही ये इम्प्रेशन जो है युवा लेगा यहाँ बिहार का या जो आएंगे नहीं करेंगे ना।
हम सब चीज इसी तरह से उपजाएंगे, अगले साल धान की भी खेती करेंगे तो इसी करेंगे, बस ऐसी नहीं। हाँ, अपना खाने के लिए शुरुआत में 1-2 बीघा करेंगे, उससे देख लेंगे क्या बेनिफिट है क्या ना बेनिफिट है। जी समझ गए ना। इलाज उलाज के धान में भी कुछ हम आए हैं लेकिन 100% अभी ना आए हैं। जी साल से 100%। तो ये पपीता का आप देख सकते हैं ड्रिप सिंचाई के साथ है। देखिए पपीता का ये चौ तरफ खेती और एक बड़ा बदलाव है बिहार के अंदर। और सर कुछ और कहना चाहते हैं क्या, जैसे इस पपीता के फार्मिंग को लेकर के नेचुरल फार्मिंग के प्रति जो लोगों का रुझान है वो कैसे बढ़े? नेचुरल तो सोचेगा तो बढ़वे करेगा ना, जब अपने परिवार पर ताकेगा, ज्यादा नहीं देश को नहीं ताकिएगा। जी जी, अपने घर में ही ताक दीजिएगा ना जी, पूरा व्यवस्था पर, तो ज्ञान खुल जाएगा कि नहीं हम लोग जहर खाना। और तो जहर खाएंगे तो धीरे धीरे शरीर गलेगा, गलबे करेगा ना। तो आप गाय पालन कर रहे हैं चाहे फिर कुछ पत्ता से सड़ा के बनाइए, कैसे हो आप कुछ ना कुछ नेचुरली आइएगा तब भी आपको मिले। 5 पौधा लगाइए बैंगन के चाहे मिर्चाई के चाहे 20 पौधा, उसको आप लगा के देखिए वर्मी कंपोस्ट चाहे सड़ा हुआ गोबर से, और उसका मजा देखिए सब्जी में, और यूरिया डाल के चाहे DAP डाल के जाइए उसका मजा देखिए, दोनों में अंतर है, लाख अंतर है, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। जीवन को स्वर्ग बनाने का रास्ता आप बता रहे हैं सर, आने वाला तो देख लिए ना जी। तो इन्हें सर टमाटर बैंगन ये सब जितना है ये सब्जी पपीता पाए हैं तो सारा चीज़ हम तो इसी। ये था सर से खास बातचीत और आप देख लिए। ओके, धन्यवाद।